आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पितृ दोष के बारे में। कमेंट बॉक्स में हमें बहुत सारे लोगों ने पितृ दोष के बारे में पूछा है कि ये क्या होता है और इसका क्या प्रभाव होता है। आपको बताएंगे कि आप खुद ही जान सकते हैं कि आपके ऊपर पितृ दोष का प्रभाव है या नहीं है। ऐसे हम कुछ नियम बताएंगे जिससे आप खुद जान सकते हैं कि मेरे ऊपर पितृ दोष है, पितरों का ऋण है या नहीं है। पितृ दोष होने के कारण किस तरह की कठिनाइयां जीवन में आती हैं और क्या सरल उपाय करें जिससे पितृ दोष में शांति मिले, आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं, पितृ दोष क्या है और क्या इसकी शांति के उपाय हैं। यदि आपका भी कोई सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका धर्मानुसार जवाब देंगे। मित्रों, पितरों की पूजा के लिए हमारे जितने भी धर्म शास्त्र हैं वो सब कहते हैं, शास्त्र कहते हैं पितृ देवो भव। पितरों को देवताओं की संज्ञा दी गई। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि अर्जुन मुझसे पहले अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। और हम अक्सर देखते भी हैं कि हमारे घर में जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हो उन अनुष्ठान में सबसे पहले पितरों को स्थान दिया जाता है, पितरों की पूजा की जाती है। जहां पितरों की पूजा होती है, जहां उनका सम्मान होता है, उनके लिए श्राद्ध कर्म और पिंडदान किए जाते हैं, वहां खुशी का वातावरण होता है, वहां सुख शांति और समृद्धि आती है। यदि आपके घर में हमेशा कलह का वातावरण रहता हो तो समझ लीजिए कि पितृ दोष है। यदि आपके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो रही है और जो आपने संचित किया हुआ धन रखा हुआ है वो भी अनावश्यक कार्यों में खर्च हो रहा है तो ये भी एक पितृ दोष का कारण होता है। यदि आपके कुल में वंश वृद्धि नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो ये भी एक पितृ दोष का कारण है। यदि आपकी नौकरी छूटती है या बार बार आपके व्यापार में घाटा होता है, व्यापार बदलना पड़ रहा है, व्यापार स्थायित्व को प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसका एक कारण पितृ दोष भी हो सकता है। यदि आपकी संपत्ति, जिसको अचल संपत्ति कहते हैं, खेत खलियान प्लॉट मकान, ये आपके बिकते हुए चले जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए इसका कारण भी पितृ दोष हो सकता है, क्योंकि पितरों की कृपा से ये दो चीजें ही विशेष रूप से प्राप्त होती हैं, एक तो संतान और एक संपत्ति। अचल संपत्ति जो है पितरों की कृपा से ही प्राप्त होती है। यदि घर में हमेशा बीमारी बनी रहती है, यदि आप बीमार रहते हैं, टेस्ट कराने पर सारी रिपोर्टें सही आती हैं लेकिन फिर भी आपको बीमारी बनी रहती है तो उसका भी एक कारण पितृ दोष हो सकता है। देखिए मित्रों, यदि घर के पितर खुश रहते हैं तभी जीवन में आनंद आता है। पितृ दोष होता क्यों है? धर्मशास्त्र कहते हैं जो लोग अपनी माता पिता की सेवा नहीं करते, उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं, उनकी कुंडली में पितृ दोष आता है। जो लोग अपने पूर्वजों के लिए कर्मकांड श्राद्ध तर्पण नहीं करते, उनकी इच्छा के अनुरूप दान नहीं देते तो कुंडली में पितृ दोष आता है। जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं, जो लोग अनावश्यक रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करके किसी दूसरे को गरीब को सताते हैं उनकी कुंडली में पितृ दोष आता है। जो लोग पूर्णिमा और अमावस्या के दिन और पितृ पक्ष में अपने पितरों की पूजा नहीं करते उनकी कुंडली में पितृ दोष आता है। ज्योतिष शास्त्र में भी पितृ दोष को बहुत प्रमुखता से स्थान दिया गया। कुंडली में जब ज्योतिषाचार्य आकलन करते हैं तो वो बुरे ग्रह अच्छे ग्रहों को देखने के साथ पितृ दोष को भी देखते हैं। कुंडली में अनेक कारणों से पितृ दोष बनता है। देखिए, लग्न, दूसरा भाव कुटुंब, चौथा भाव माता का, पांचवा संतान का और नवम भाव पिता का होता है। यदि यहां पर राहु और सूर्य की, राहु या चंद्र की, या राहु मंगल की, या राहु और शनि की
युति हो या इन स्थानों पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो। नवम स्थान पर सूर्य क्या है? सूर्य हमारा पिता का कारक है। कुंडली का चौथा भाव माता का कारक है। पांचवा भाग संतान का कारक है। राहु की वजह से ही हम पूर्व जन्म की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और भी कई सूत्र हैं ज्योतिष शास्त्र में जो प्रमुखता से पितृ दोष के बारे में बताते हैं। यदि कुंडली में पितृ दोष है तो आपको उपाय करने हैं, और यदि मैंने जो सामान्य कारण बताए, यदि आपके जीवन में ऐसे घटित हो रहा है तो हो सकता है कि आपके पितृ रुष्ट हों, तो आपको पितरों की पूजा करनी है, पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। पितरों के आशीर्वाद से ही आपके जीवन का कल्याण होगा, क्योंकि पितृ देवो भव, देवता है। आज हमारा जो जीवन है वो पितरों की कृपा से ही है, इसलिए उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। क्या करने हैं? माता पिता अपने संतान से सहज रूप में प्रसन्न हो जाते हैं, वो कभी अपने बच्चों को बुरा श्राप नहीं देते, वो कभी बच्चों के बारे में बुरा सोचते नहीं है, लेकिन हम ही माता पिता को दुखी करते हैं। हमारे कारणों से यदि माता पिता, हमारे पितर, हमारे पूर्वज दुखी होते हैं तो हम जीवन में कितना भी कुछ कर लें हम सुखी नहीं हो सकते। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आप पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। हर मास में अमावस्या तिथि आती है जो पितरों की पूजा के लिए है। अमावस्या तिथि में थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा मिठाई, थोड़ी सी दक्षिणा अपने मंदिर के आगे रखें और अपने पूर्वजों का ध्यान करें और उनसे विनती करें कि मैं आपका बच्चा हूं, मैं अबोध हूं, मुझसे कोई गलती हो तो माफ करें और इन वस्तुओं को आप स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। सहज रूप में प्रसन्न हो जाते हैं। तो पितरों के लिए अमावस्या तिथि में, पूर्णिमा तिथि में दान दें। जब उनकी मृत्यु की तिथि है उस वक्त भी ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं, गौशाला में दान दें, अनाथालय में दान दें, तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे। ये तीन ऋण जो शास्त्रों में बताए गए इनसे हम कभी पूरा नहीं करते, हम इनको कभी पूरा नहीं चुका सकते। पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, इनके प्रति हमें हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करती ही रहनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र की एक माला अपने पितरों के कल्याण के लिए, उनकी मुक्ति के लिए जप करने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। आप एकादशी का व्रत अपने पितरों के लिए, एक साल की एकादशी दान दें। आप एकादशी का व्रत अनुष्ठान उठाएं और अपने पितरों के कल्याण, उनकी शांति और उनके मोक्ष के लिए करें, तभी पितरों की विशेष कृपा मिलती है। मित्रों, यदि पितर आपके प्रसन्न हुए तो आपके जीवन को बदलते में देर नहीं लगेगी। यदि पितर दोष होगा तो शास्त्र कहते हैं कि जब तक पितर प्रसन्न नहीं होंगे तो कोई भी पूजा फलीभूत नहीं होगी। तो हमें हमेशा अपने माता पिता का, अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए। ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे उनको दुख पहुंचे। तो आप भी इन सरल उपायों को कीजिए और पाइए पितरों का आशीर्वाद। तो इस टॉपिक में आज हमने यही चर्चा की कि पितृ दोष क्या होता है और कैसे इसकी शांति की जाए। भगवत कृपा हम सभी पर बनी रहे। जय श्री राधे।